सारे मिट्टी में पैक होकर के दिया नौमी के पावन अवसर पर जनमानस का और इसको प्रसाद को वितरण और रात्रि के पावन अवसर अवसर मन के साथ आपने इतना समय दिया करने का दिशा निर्देश शासन प्रशासन और अपने जनप्रतिनिधि को देते हैं तो अपार प्रसन्नता है। नहीं तो इसी प्रदेश है, दंगा प्रदेश कहा जाता था, यही प्रदेश है जहां पर एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय की बात होती थी, यही प्रदेश है जिसमें खाली टोपी की बात होती थी, यही प्रदेश है सिर्फ मजारों की बाउंड्री वाल की व्यवस्था थी, यही प्रदेश है सिर्फ हज हाउस बनते थे, यही प्रदेश है जहां पर साधु संतों को डंडे से पीटे जाते थे, यही प्रदेश है जो कंवारियों को लाठी से पीटे जाते थे, यही प्रदेश है जहां पर साधु संतों को 84 कोसी परिक्रमा नहीं करने दिया जाता था, यही प्रदेश है जहां नवरात्रि के समय में दुर्गा प्रतिमा नहीं लगाने दी जाती थी। आज जिस प्रकार से फूल बरसे हो रहे हैं, जिस प्रकार से अयोध्या भव्य दिप बन रही है समर रही है, जिस प्रकार से काशी कॉरिडोर बन रहा है, जिस प्रकार से मथुरा की कॉरिडोर बनने के लिए तैयार है, जिस प्रकार से पूरे देश में सनातन की राज चल रहा है, तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को और देश के सभी प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करूंगा। और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होगा, आने वाले दिनों में जो सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से ग्रसित इन नेता हिंदुओं को बरगलाने का काम करते हैं, यही हिंदू इनको जूते लेकर मारेंगे पीटेंगे और इनको ठीक करेंगे। अभी बागेश्वर धाम की बात की जाए और अभी हाल ही में करौली सरकार ऊपर FIR दर्ज की गई, तो क्या हिंदू जो बाबाओं हैं उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? नहीं, संत कभी डरते नहीं, संत का अपना तो कुछ होता ही नहीं, संत तो आपके बीच के आप ही के बेटे हैं, हमें अपने को क्या है, हम तो धर्म को जगाते हैं, समाज में जागृति लाते हैं, जिस प्रकार से समाज में छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव है उसको समाप्त करना है, जिस प्रकार से ऊंच नीच छोटे बड़े का भेदभाव उसको समाप्त करना है, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, गर्व से कहो हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदुस्तान वासी हैं, गर्व से कहो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इसको भाव को हम जगाते हैं, इस पर मेरे ऊपर FIR हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप एक नहीं 1,00,000 FIR कर दो, मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मैं डिगने वाला नहीं हूँ, हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र का हिंदू राष्ट्र है, और जो लोग पर हिंदू राष्ट्र नहीं था वो राम संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान रामचरितमानस में संविधान की जो मूल प्रति है उसमें राम दरबार क्यों है, हनुमान जी का निशान क्यों है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और रही बाबाओं को बदनाम करने के लिए कोई चिंता नहीं, आप बदनाम करते रहो, हम काम करते रहेंगे। नहीं नहीं वो विवाद नहीं चल रहा है, उनकी जो मानसिकता खराब है उनकी मानसिकता ठीक करने का काम चल रहा है, और अभी तो एक बार टूटा है, हजार बार कूटूंगा सब ठीक हो जाएगा, जिसने जिसने राम का विरोध किया रामचरितमानस का विरोध किया, एक बार कूटा हूँ फिर कहता हूँ आपके चैनल पर, हजार बार हिंदू कूटेंगे जूता लेकर स्याही लेकर डंडे लेकर ईंट लेकर पत्थर लेकर, ऐसे लोग किसी भी जिले में जाए, ऐसे में धर्मी किसी भी जिले में जाए इनका इसी से स्वागत होना चाहिए और राजूदास से स्वागत करते हैं।